सिविल सर्विस दे एग्जाम दा जड़ा रिजल्ट आ गया और ट्राई सिटी विचों सिर्फ दो स्टूडेंट्स है जिन्होंने एक जड़ा एग्जाम जड़ा क्लीयर कर लिया और उन्होंने नाम है साडा डॉक्टर आदित्य शर्मा जी जिन्हों का 70वां रैंक आया। डॉक्टर साहब पहला तो बहुत बहुत मुबारक थोड़ा 70वां रैंक आया और ट्राई सिटी जी तुम दूजे स्टूडेंट हो जिन्होंने आई एस का जो इस बार एग्जाम है वो क्लीयर किया। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब एक किन्ना औखा काम सीगा मतलब कि डॉक्टरी तो बाद आई एस का एग्जाम क्लीयर करना? सर देखो मुश्किल तो था क्योंकि मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी थर्ड ईयर में, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि थर्ड ईयर में कि मेरे को सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, तो मेरी 2-3 साल की पूरी तैयारी रही है, साथ में कॉलेज मैनेज करना, कोविड टाइम पे ड्यूटीज़ मैनेज करना, तो रहा तो थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, बट मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट से और कि फोकस है कि यही करना है तो उससे एग्ज़ाम थोड़ा टॉलरेबल हो गया। सर डॉक्टर साहब 10 लाख के करीब जो स्टूडेंट हैं वो ये एग्ज़ाम देते हैं और 1000 के करीब जो हैं सीटें हैं जो सिलेक्ट होते हैं। भाई आप देखो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, आपने साथ में MBBS की और फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने ये क्लियर किया, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच सर। तो कहीं ना कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई आपको MBBS के साथ साथ दोनों को मैनेज करना, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, स्टडी में भी डिफरेंस है, MBBS की स्टडी अलग है, IAS के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अलग हैं? बिल्कुल सर, डिफ़िकल्टी काफ़ी आई क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं UPSC के जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, अब ये सब हमारे करिकुलम में तो दूर दूर तक नहीं है। हाँ जी। तो काफ़ी पॉइंट ऐसे आते थे कि मुझे लगता था यार कि यहाँ पे मेरे को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, यहाँ पे देना चाहिए, बट सर वही है धीरे धीरे डेली 3-4 घंटे जब हैवी ड्यूटी में, लाइट ड्यूटी में 6 से 7 घंटे, एग्ज़ाम से पहले 8 से 10 घंटे, ऐसे बड़ा फ्लेक्सिबल रूटीन रख के मुझे लगता है ऐसे मैनेज कर पाया हूँ सर मैं। तो कहीं से आपने कोचिंग वगैरह ली या आपने कहते IAS की जो स्टडी है वो घर पर ही तैयारी की? सर मैंने थर्ड ईयर में कोचिंग ली थी यहाँ चंडीगढ़ में राज मल्होत्रा इंस्टीट्यूट से, फिर उसके बाद जब मेरा थर्ड ईयर खत्म हो गया, कोविड टाइम आया तब मेरा कोचिंग खत्म हो गया था, उसके बाद सर जो अगला 1 साल था मैंने सेल्फ स्टडी किया है, जो भी टाइम मिलता था ड्यूटीज़ के बीच में 2 घंटे 3 घंटे जब भी उस टाइम में सर मैंने मैनेज किया सर। तो किसी का मोटिवेशन रहा क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट एक साथ मिलना MBBS के साथ साथ मतलब कि IAS का भी सीट क्लियर कर जाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, किसी की मोटिवेशन रही आपको? सर मोटिवेशन तो सबसे पहले मेरे मदर रहे हैं जिन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर करा है कि काम करना है, मेरे एल्डर सिस्टर, मेरी एक जुड़वा बहन है उसने मुझे मोटिवेट किया है, मेरे एल्डर सिस्टर डॉक्टर ही हैं PGI चंडीगढ़ में नेफ्रोलॉजी में, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया हर स्टेप पे, उन्होंने मुझे फ्रीडम दी कि मैं अपने हिसाब से MBBS की बात, वरना लोग नॉर्मली MD करते हैं, तो मुझे थोड़ा उन्होंने फ्रीडम दिया कि कोई बात नहीं आप साथ साथ अपना UPSC का दो अगर आपका मन है तो। साथ में एक निपुण जिंदल सर हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कांगड़ा हैं, वो भी डॉक्टर हैं यहाँ से ही, तो उनकी काफ़ी मोटिवेशन रही है, साथ में मेरे दोस्त हैं जो यहाँ मेरे साथ भी हैं काफ़ी, तो उन्होंने हर स्टेप पे मुझे मोटिवेट किया और भरोसा रखा कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बस मेहनत करते रहो। डॉक्टर आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई और किस तरह का आपका एकेडमिक रिकॉर्ड रहा? सर मेरी स्कूलिंग हुई है सेंट एंस कॉन्वेंट स्कूल चंडीगढ़ से जी। तो 10th में मेरे थे 10 CGPA, उस टाइम CGPA सिस्टम था, और 12th में मेरे थे 10 CGPA, वो उस टाइम भी आप मेरिट में आए? हाँ जी सर, और 12th में सर मेरे 95% आए थे और मैं स्कूल का टॉपर भी रहा हूँ सर। तो 12th कहाँ से की आपने? सर 12th मैंने की है गुरु गोबिंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, सेक्टर 37 से सर। और नीट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया? हाँ जी सर, नीट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, मेरा सर चंडीगढ़ में रैंक 14 था। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है नीट क्लियर करना, फिर चंडीगढ़ जैसे शहर के एक क्योंकि चंडीगढ़ में एक ही मेडिकल कॉलेज है और उसमें एडमिशन लेना भी लोगों की बड़ी ख्वाहिश रहती है यहाँ, और सीटें भी जो चंडीगढ़ की मेडिकल की हैं बहुत लिमिटेड सीटें हैं, यहाँ भी बहुत बड़ा कंपटीशन रहता है, पहले आपने वो भी अचीव किया और अब ये बहुत मतलब कि लगातार लग रहा भी कामयाबी जो है आपके साथ चलती रही। थैंक यू सो मच सर, मुझे लगता है ये हमारे घर वालों की ब्लेसिंग्स हैं, भगवान का साथ है कि जो भी चल रहा है साथ साथ सब सर क्लियर होता जा रहा है अभी तक। तो मदर फादर क्या करते हैं डॉक्टर साहब? सर मेरे मम्मा टीचर हैं सेंट एंस कॉन्वेंट स्कूल में ही, वो 10th को इंग्लिश पढ़ाते हैं, और मेरे पापा जो हैं वो इंश्योरेंस सर्वेयर हैं प्राइवेट कंपनी में सर। ओके, और आपके कहते मतलब कि जो ब्रदर सिस्टर हैं वो क्या करते हैं? आप सबसे बड़े हैं घर में? नहीं नहीं, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, एक मेरे एल्डर सिस्टर हैं जो मेरे से 6 साल बड़े हैं, वो यहीं से पास आउट हैं, फिर अभी PGI। अच्छा, उन्होंने भी डॉक्टरी की? वो भी डॉक्टर हैं, वो उन्होंने MD एम्स दिल्ली से करी है और फिर अभी PGI में वो DM नेफ्रोलॉजी कर रहे हैं। हाँ। और मेरी ट्विन सिस्टर है वो डेंटिस्ट है। अच्छा, मैं पूरी डॉक्टर फैमिली आप ये कह सकते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, कोई घर में किसी और ने कोई सिविल सर्विस के एग्ज़ाम दिए हों या कहीं अचीवमेंट आई हो किसी फैमिली में फैमिली मेंबर्स की
कजन ब्रदर सिस्टर या ऐसे कुछ? नहीं सर, घर में दूर दूर तक तो किसी ने सिविल सर्विसेज नहीं दिया है। मेरे नानू ज़रूर एयरफोर्स में थे और उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप हमेशा की सिविल सर्विसेज का ट्राई कीजिए। तो आपको कैसे ख्याल आया, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, सारी फैमिली डॉक्टर है, तो आपको ये लग एक चलने की कैसे मतलब की आई भी हाँ यार कुछ अलग किया जाए, डॉक्टरी लाइन तो सारे कर रहे हैं, कुछ अलग हटके किया जाए? सर वो अलग करने का उद्देश्य नहीं था मेरा, मेरा था कि जितने ज़्यादा लोगों को रीच कर सकते हैं, जितना बड़ा और ब्रॉड स्फीयर में काम कर सकते हैं, कि हेल्थ तो सिर्फ एक कंपोनेंट है। बिल्कुल। तो हेल्थ में जो मैंने पेशेंट्स भी मैंने ऑब्जर्व करे हैं, तो सर आधे पेशेंट्स इस वजह से हैं कि या तो एजुकेशन लेवल कम है, या फिर पीने का पानी ठीक नहीं मिल रहा, सैनिटेशन ठीक नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है जैसे कोविड के टाइम पे। तो मुझे लगता है कि सर अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर हो जिसको ये सब जानकारी है ग्राउंड लेवल पे, उसने ऑब्जर्व करा है ड्यूटीज़ करके, तो मुझे लगता है कि सर वो बेटर और बिगर इम्पैक्ट ला सकता है। तो सर यही सोच से कि ज़्यादा लोगों को सोशल सेटिस्फैक्शन में प्रोवाइड कर सकूँ, तो सर ये उद्देश्य से मैंने सिविल सर्विसेज को अटेम्प्ट किया सर। हम ये कह सकते हैं आपको जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसकी नॉलेज है और आप उसको दूर करना चाह रहे हैं अभी, ताकि जो लोग जिन प्रॉब्लम्स से लोग फेस हो रहे हैं या लोगों को फेस करनी पड़ रही है भी, आप उनको जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे हम लोग हमारे घर में कोई ऐसे ऑफिसर या ऐसे कोई नहीं है, तो हमने सारा देखा है कि कैसे काम होता है, कैसे काम होना चाहिए लॉजिकली। तो मुझे लगता है सर ये सारी ग्राउंड लेवल पे दिक्कतें देख के मैं अपने फ्रेंड से मिलके आया जो करसोग मंडी में मेडिकल ऑफिसर है, वहाँ मैंने देखा कि डॉक्टर तो प्रेजेंट है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसके पास दवाइयाँ देने को नहीं है, छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल तक जाने को सड़क नहीं है, एक स्कूल था जो पाँचवीं क्लास तक था, वहाँ भी पिछले तूफान में एक बिल्डिंग टूट गई, बच्चे बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तो सर ऐसी ऐसी चीज़ें देख के बंदा इंस्पायर होता है कि यार जब मैं किसी दिन सर्विस में जाऊँगा तो मैं इन सब चीज़ों को काम कर सकता हूँ, और सर यही मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा ड्राइविंग मोटिवेशन था सर। डॉक्टर साहब ये जो आपने बातें की हैं ये बहुत अच्छी बातें हैं, और मैंने जितनी इंटरव्यूज़ की हैं उसमें लगभग सभी ने ये बातें कही हैं, पर होता क्या है जब मैं देखता हूँ भी जब वो सीट पे बैठ जाते हैं, पता नहीं वो सीट का ओरा ही ऐसा है, वो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो भूल जाते हैं जिनको वो बात करते आ रहे हैं, जिनको वो देखते आ रहे हैं, पता नहीं वो सीट में ही कुछ ऐसा जादू है कि उसके बाद वो नीचे देखना ही बंद कर देता है। सर ऐसा है कि जैसे अब हमें जैसे स्टार्टिंग में लगता है सबको कि यार मैं बनूंगा ऐसे काम करूंगा, अब मेरे लिए ऐसा है कि जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने अब एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, एक्टिव हूँ, कि अभी ये मेरे लिए सिर्फ एक बिगिनिंग है, ये एंड नहीं है अभी। मैंने तो मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी से ज़्यादा मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो रहा है कि जब उस सीट पे बैठेंगे और काम करेंगे तो सर वो काम अच्छा होना चाहिए। तो सर काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स भी हैं, एक प्रशांत सर हैं जो आईएएस हैं साउथ में, उन्होंने काफ़ी अच्छी स्कीम से यूटिलाइज करके बहुत काम कराया है, जैसे डॉक्टर निपुण जिंदल है, उनको कोविड में नेशनल अवार्ड मिला है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो मुझे लगता है सर अच्छे एग्जाम्पल्स को देख के इंस्पायर होके सर काम तो होता है, सर कुछ बैड एलिमेंट्स हमेशा होते हैं, बट सर मेरे को लगता है कि हम उन्हें ओवरपावर करके अच्छा काम कर सकते हैं सर। डॉक्टर साहब जैसे मान लीजिए मतलब कि चलो ये तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, यदि मान लीजिए मतलब कि हालांकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है अभी, अगर आपने नहीं क्लियर होता तो आपने क्या सोचा हुआ था, अभी दोबारा देना है या एमडी करते आप, आपने क्या अपने मन में क्या सोचा हुआ था, क्योंकि प्लानिंग तो हर एक बंदा करके चलता है, आपकी प्लानिंग क्या थी? सर मैंने अपने आप को दो अटेम्प्ट सोचे थे कि दो अटेम्प्ट दूंगा मैं, उसके बाद फिर क्योंकि सर्विस तो करनी है तो डॉक्टर की सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरा आर्मी में भी एज अ कैप्टन सिलेक्शन हो चुका है एज अ डॉक्टर, और मेरा पैरामिलिट्री में भी सीआरपीएफ में एज अ डॉक्टर सिलेक्शन हो चुका है, तो सर मैं उन सर्विसेज में जाके भी लोगों की सर्विस करता, ये मेरा सर प्लान था दूसरा। डॉक्टर साहब जो नए स्टूडेंट हैं अभी, आपने तो क्लियर कर लिया, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी लगे हुए हैं लाइन में हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हो? सर यही मैं देना चाहता हूं कि जो हमारे काफ़ी अब ऑनलाइन सोर्सेज आ गए हैं, तो एक कैंडिडेट को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि समझ नहीं आता कहाँ से पढ़े और क्या पढ़े। बिल्कुल। तो पहली चीज़ है कि आइडेंटिफाई करो कि यार मैंने यहीं से पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, अपने टीचर्स अपने फ्रेंड्स आइडेंटिफाई करो, टाइम को अच्छे से मैनेज करो, और बस सिंगल अपने अपने पे भरोसा रखो कि यार जो मैंने पढ़ा है जितना पढ़ा है उसका ही फायदा होगा, और ज़्यादा इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच सर। ये थे डॉक्टर आदित्य शर्मा जी जिन्होंने आईएएस दी जड़ा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर किया, पर डॉक्टर साहब तो गल्ला बातें तो बिल्कुल क्लियर है भी, डॉक्टर साहब ने असफलता नाम दी कोई चीज़ नहीं है, मतलब डॉक्टर साहब शुरू तो लैके टेंथ तो लैके लगातार मैरिट से आते रहे ने, MBBS फर्स्ट अटैम्प्ट क्लीयर की, नीट का एग्जाम क्लीयर किया, हूँ MBBS तो बाद आर्मी विच भी एज ए कैप्टन उन्होंने सिलेक्शन हो गई सी, लेकिन उन्होंने IAS का सिविल सर्विस का एग्जाम दिता, वह भी उन्होंने क्लीयर कर लिया, और उन्होंने मोटिव है कि जिन्या लोकल लैवल या निचले लैवल से जड़िया परेशानियां उन्होंने सब तो पहला दूर कर, ये उन्हों का मोटिव है। मैं दिनेश गोयल कैमरामैन अनिल दे नाल दैनिक सवेरा टीवी लई चंडीगढ़ तो।